हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं अपने चीकू में खाद दे रही थी। पहले मैंने आधा काम कर लिया, फिर मुझे याद आया कि चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूं, तो बस वीडियो बनाने लग गई हूं आप लोगों के लिए। तो दोस्तों जब चीकू में, ये मेरा साल भर इसमें फल आता है, मतलब साल में दो बार, एक बार फल आने के बाद लगभग 4-5 महीने तो लग ही जाते हैं फल पकने में। तो दोस्तों देखिए मैं किस तरह से खाद दूंगी। मैंने ये अपने जो है ना प्लांट्स के चारों तरफ की ऊपर की जो जड़ें हैं उनको थोड़ा थोड़ा, जो सॉफ्ट जड़ें थी उनको करके कट कर दिया है इस तरह से। और ये इतनी सारी मिट्टी मैंने इसकी निकाल दी है, जिससे कि मैं खाद दूं तो खाद चीकू के प्लांट्स को नीचे जड़ों में मिले। तो थोड़ी मेहनत तो भाई करनी पड़ेगी फ्रेंड्स, है ना। चलिए अब मैं इतने में इनको खाद देती हूँ और ये जो है ना इस तरह से यहाँ कवर कर दें, क्योंकि कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी जड़ों से दूर रहे खाद। तो फ्रेंड्स ये शुद्ध सड़े हुए गोबर की खाद है, जिसको मैं अपने चीकू में अच्छे से ऐड कर दूंगी, क्योंकि अब आ रही हैं सर्दियां और सर्दियों में ये गोबर की खाद बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होती है। इसको मैं भर के अच्छे से दे दूंगी, जिससे चीकू का फल गिरे नहीं। क्योंकि दोस्तों जब कमी होती है ना कोई, जैसे हमारे शरीर में कोई कमी होता है, हो जाती है ना, तभी हम गिरते हैं ना, उसी तरह से ये फल जो है ना एक तरह से प्लांट्स अपने बेबी को जन्म देने को है, अगर हम उसके अच्छे से केयर नहीं करेंगे तो उसका भी फलों का मिसकैरेज हो जाएगा, जो हम लोग अपने लिए बोलते हैं मिसकैरेज हो जाता है, वही ये फलों के साथ भी वही कहानी है। अगर इनका अच्छे से प्रॉपर ध्यान नहीं रखेंगे तो ये चीकू का भी मिसकैरेज हो जाएगा। ये शुद्ध गोबर की खाद है, को अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी। अब बस करने के बाद थोड़ा कोशिश कीजिए कि मैं यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा हटा दूं। तो फ्रेंड्स ये मैं कुछ चीज़ें इसमें और ऐड कर रही हूँ, जैसे कि ये दिख रहा है आपको करीब 1 चम्मच ये एप्सम सॉल्ट, ये आधा स्पून मुश्किल से होगा एनपीके, और ये थोड़ा सा है अपना फंगीसाइड, और थोड़ा सा मैं ऐड कर लूँगी मूँगफली। इसको भी मैं थोड़ा ऐसे साइड में, थोड़ा जड़ों से दूर इस तरह से, अब इसको आप अपने ऐसे हाथों से मिक्स कर दीजिए। अब ये अपना पूरा खाद वगैरह इसमें हो गया है। अब उसके बाद मैं ये मिट्टी डाल के आप लोगों को दिखाती हूँ। दोस्तों देखिए ये पूरा मैंने इसको फिल कर दिया है, और ये आप ग्रो बैग में लगाते हैं तो इसकी किनारी को अच्छे से ऐसे दबा दीजिए। बीच की मिट्टी हमेशा गुड़ाई करते रहिए और इस तरह से इसकी भुरभुरी मिट्टी रखिए। और देखिए आप गमले में ही चीकू ले सकते हैं। ये काम देखिए दोस्तों कितना अच्छा मेरा चीकू का प्लांट है, इस तरह से देखिए। चीकू बहुत लगे हैं, और जब अपना इस स्टेज पर आ जाए चीकू, इस तरह से ये जब ना ये फल बन जाए फूल से, इस तरह से जब ये
होने लग जाए। देखिए कितने फल लगे हैं, आपको दिख रहा होगा ना, कई फल लगे हैं। तो ये फल अगर हम इस स्टेज पर खाद नहीं देंगे दोस्तों तो ये फल गिर जाएंगे, और जो कमज़ोर होते हैं वो तो वैसे ही ये गिरा देता है। ये देखिए इस तरह के तो रोज़ कम से कम 10-20 फल हमको गिरे मिलते हैं, लेकिन अगर कुछ फल मतलब कन्वर्ट हो चुके हैं फ्रूट में, मतलब ये फूल से अगर ये फ्रूट में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो फिर हमें चाहिए कि हम इनको थोड़ी सी ताकत दें, क्योंकि ये इनको एनर्जी इनको देनी पड़ेगी। और ये अब सर्दियों का मौसम है तो फ्रेंड्स इसकी विशेष थोड़ा सर्दी वाला सितंबर और अक्टूबर में ज़रूर गोबर की खाद दीजिए, या आप, मैं ऑर्गेनिक ही खाद देती हूँ इसलिए थोड़ा ये सब करती हूँ, वरना आप केमिकल में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर हम घर में कुछ खेती कर रहे हैं या जो भी फल फ्रूट सब्जियां कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि हम ऑर्गेनिक तरीके से ही करें। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको भी मैंने यही थोड़ी सेवा पानी की है, नहीं तो इसकी भी कलियां गिर रही थी। बात वही आ जाती है कि एनर्जी देनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स चलिए फिर जब चीकू बड़े हो जाएंगे तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो इतने इतने बड़े हो गए हैं, कई चीकू हैं, उस साइड तो मैं जा ही नहीं पाती हूँ, तो इस साइड से भी, इस साइड भी बहुत चीकू लगा है। तो फ्रेंड चलिए फिर मिलते हैं। अब ये काम जो फैला पड़ा है ये समेट लूँ, बहुत सारे काम हो रखे हैं दीपावली पे। तो फ्रेंड सारी साफ सफाई करने के बाद थोड़ा अंधेरा होने लगा, तो मैं जल्दी से जो मैंने इसमें खाद पानी दिया था तो पानी भी दे दूँ। अभी तो ओनली इसको खाना खिलाया है, अब अच्छे से इसको पानी भी पिला दूँ, बढ़िया अच्छे से नीचे तरी तक इसका जाए पानी, जिससे कि मैं इसको फिर रोज़ रोज़ पानी नहीं दूँगी। अब इसमें अच्छी सी फ्रूटिंग हो रही है, तो अच्छे से अच्छे खाद पानी देने के बाद अब इसको मंथली मैं लिक्विड खाद दिया करूँगी, और देखते हैं इस बार फल का साइज कुछ इम्प्रूव होता है कि नहीं। बाकी बहुत अच्छा फल आता है। थैंक यू।